तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले हैं आपकी पूर्व अभ्यास प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 के आपके गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको 30 जनवरी को आपको इसका पूरा पेपर आपको स्कूल से प्राप्त हो गया होगा, मगर आपको इसको घर से सॉल्यूशन बना के स्कूल में जमा करना होगा। तो इसलिए आज मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन यहां पर आपको बता रहा हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, ताकि आप सबको पूरा वीडियो और इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझ में आ सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी जो पूर्व अभ्यास प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 का जो आपका गणित विषय का पेपर है, यह आपको किस प्रकार से तैयार करना है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिख लेना है। देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा जरूर देख लें, ताकि आप सबको सभी क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशन आपको समझ में आ सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूर्व अभ्यास प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के कक्षा 10 के गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। आप सभी लोगों से अनुरोध है प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जरूर जाएँ, ताकि आप सबको पूरा ये वीडियो और इस वीडियो में बताया गया पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से जरूर देख लें, ताकि आप सभी लोग इसका सॉल्यूशन अच्छे से बना के और स्कूल में जमा कर सकें। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपको किस प्रकार से चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, 26 और 91 का एचसीएफ होगा। इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए नंबर का 13 होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, तो इसका उत्तर आपका ये आ जाएगा, यहाँ से आपको इसको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 तो रैखिक समीकरण युग्मता हल होगा। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन लिखा है, इसका उत्तर आपका बी नंबर का आ जाएगा, का कोई हल नहीं होगा। उसी के अलावा चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, AP 2712 का सर्वांतर। तो देखिएगा, इसका जो सर्वांतर है ये आपका 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो बराबर होती है। तो देखिएगा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए नंबर का, यहाँ से आपको इसको नोट कर लेना है, ये इसका उत्तर है। और उसी के अलावा 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिएगा, 6 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका उत्तर आपको यहां से इसको नोट कर लेना है, 16:81। और उसके अलावा आगे देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जानी है। तो देखिएगा, किस प्रकार से आप सबको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना है। पहले रिक्त स्थान को देखते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कहलाती है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से आपको लिख लेना है, एक्स निर्देशांक कहलाती है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा क्या पूछा गया है, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस। देखिएगा, यहाँ से आपको लिख लेना, माइनस इसी में लिखा है, आपको सिर्फ ये लिखना होगा, 2 × माध्य। इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा नोट कर लें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। देखिएगा, परिधि के सूत्र जो होता है 2πr होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है। देखिएगा, इसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। उसी के अलावा आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही जोड़ी यहाँ से आपसे पूछी गई है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और इसका सॉल्यूशन तैयार कर लें। तो पहले जो सही जोड़ी लिखी है, पहले नंबर की, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग एफ से कर लें, और दूसरे नंबर पर जो लिखी है, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग ई से कर लें, और उसके अलावा तीसरे नंबर पर जो लिखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग जी से कर लेंगे, और उसी के अलावा चौथे नंबर पर जो लिखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग बी से कर लें, और 5 नंबर पे जो लिखा है, देखिएगा 5 नंबर की जोड़ी का मिलान, चौथी का जोड़ी का मिलान आपको बी से करना था। तो देखिएगा, ये 5वीं का एक बार मैं आपको पुनः दिखा देना चाहता हूँ, जोड़ी का मिलान में थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे हो गया यहाँ पर। तो देखिए, एक बार फिर से देख लें आप सभी लोग, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है एफ से, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको एफ से करना है, और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा ई से, और उसी के अलावा तीसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है, इसका जोड़ी का मिलान आपको कर लेना जी से।
तो ये तीसरा नंबर है और इसकी जोड़ी का मिलान आपको जी से कर लेना है, और चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको बी से कर लेना है, और पाँच नंबर पे जो लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपका ए से हो जाएगा, और छठे नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आपका सी से हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार को देखते हैं। प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यह आपसे एक गुणा छः अंक में पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है, देख सकते हो आप सभी लोग, देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा एन पदों के योगफल का सूत्र जो होता है एस एन बराबर, आगे आपको लिखना है एन वन प्लस एन और बटे में आपको लिख लेना दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी लिखिए। देखिएगा यहाँ पे आपको बेसिकली ये सूत्र लिख देना है, दूरी सूत्र जिसे कहते हैं, यहाँ से आपको लिख लेना एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस आगे लिखना है वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप सभी लोग इस सूत्र को पूरा लिख लें। अगला क्वेश्चन, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है, मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती है, तो बेसिकली दो हो सकती है। अगला क्वेश्चन, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, पाँच नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है पाई आर टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है पाई आर टू एच, बेलन के आयतन का सूत्र होता है। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच को देख लें, सत्य असत्य यहाँ से आपसे पूछे गए हैं, तो आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को जरूर देख लें। पहला क्वेश्चन, रूट तीन एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के कर्ण की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये जो लिखा है क्वेश्चन नंबर तीन, ये भी आपका असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर चार, ये भी आपका असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच, ये आपका सत्य होगा। इस प्रकार से आप सभी लोग देख लें, एक बार पुनः देखें। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर का जो लिखा है ये तो आपका असत्य है, और सेकंड नंबर का ये आपका सत्य हो गया, थर्ड नंबर का ये आपका असत्य है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य है, फाइव नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य है, और ये आपका असत्य है। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लें। और इसी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आगे इन क्वेश्चंस को देख लें आप सभी लोग, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सबके पेपर में पूछे जाएंगे, और आगे भी आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें और इनको नोट भी कर लें। टोटली आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बिल्कुल इसी प्रकार का होगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और टोटली इसको देख लें और समझ लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।